वेलकम दोस्तों, आज जानने वाले हैं इंडोर मोटर की वायरिंग के बारे में। तो यहाँ पे देख सकते हो हमारे पास एक ड्राइंग है और इसके अंदर हम आज जानेंगे कि कौन से वायर का कौन सा कनेक्शन होएगा और कैसे काम होता है। तो यहाँ देख सकते हो BLK लिखा हुआ है, यानी ये ब्लैक वायर है, और इसमें एक्स्ट्रा HI लिखा हुआ है, यानी एक्स्ट्रा हाई है। ये जो मोटर का स्पीड है इसमें एक्स्ट्रा हाई है, इसके लिए इसमें हाई का कनेक्शन होएगा। और यहाँ पे दूसरा देख सकते हो आप कनेक्शन जो अभी दिखाऊंगा मैं आपको, HI लिखा हुआ है और BR लिखा हुआ है, यानी BR का मतलब होता है ब्राउन होता है और HI का मतलब हाई होता है, यानी जो हमारा मोटर है ये हाई स्पीड का वायर इसमें कनेक्शन होएगा। और दूसरा कनेक्शन में आ जाते हैं जो दूसरे नंबर पर हमारा, जो यहाँ पे आप देख सकते हो MED लिखा हुआ है, यानी मीडियम है, और ये BL लिखा हुआ है, यानी ब्लू वायर है। इसका मतलब यही होता है कि जो हमारा मीडियम कनेक्शन है मोटर का, उसमें इसका दो नंबर में कनेक्शन होएगा। और आ जाते हैं तीसरे नंबर पे, तो तीसरे नंबर पे यहाँ पे देख सकते हो LOW लिखा हुआ है और इसमें देखा हुआ है RD, यानी रेड कलर का ये जो वायर है इसके अंदर कनेक्शन होएगा तीन नंबर, यानी हमारा जो लो है वो तीन नंबर में कनेक्शन होएगा। और चौथे नंबर में आ जाते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, COM लिखा हुआ है और WH लिखा हुआ है। तो फ्रेंड, इसका मतलब ये होता है कि इसके अंदर हमारा कॉमन वायर यानी न्यूट्रल का कनेक्शन होता है। तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें वीडियो और लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।